आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिल्क रोज केक बनाना बता रही हूँ। ये बहुत टेस्टी केक है। इसमें हम रोज सिरप यूज़ कर रहे हैं, जिसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका रहता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी केक की रेसिपी को। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट केक है। ये देखिए, इसका स्पॉन्ज बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हाफ कप हमारे पास वाइट चॉकलेट है, ये रोज़ सिरप है, वन फोर्थ हमारे पास मैदा है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर है, 1 कप मिल्क है, रोज़ एसेंस है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये विप क्रीम है मेरे पास विप्रो की, एंड मिल्क मेड है। सबसे पहले हम गैस को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये हमने चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, आप इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें हम अब अपना मैदा डालेंगे। मैदा को हमेशा आपने छानना है जब भी आप केक बनाएं। इसमें 1/4 हम बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको हम छान लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम अपना एसेंस डालेंगे, 3-4 ड्रॉप्स। इसमें हम अपना रोज सिरप ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी हम आपको दिखाएंगे। मिल्क और ऐड करेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी। लम्स नहीं हो इसमें बिल्कुल। ये देखिए, इसमें बबल्स आ गए हैं, इट मीन्स ये हमारा फिट गया है। ये हमने अपने टिन को ग्रीस कर लिया है पहले ऑयल से, फिर हमने मैदा डस्ट कर दी है इस पर। अब हम अपना मिक्सचर इसमें पोर कर देंगे।
इसको हम थोड़ा ऐसे टैप करेंगे ताकि इसकी एयर बबल्स निकल जाएं। ये हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है, अब हम इसको 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे मीडियम आंच से आंच पर। इसका सिरप बनाने के लिए 1 कप मिल्क है हमारे पास, ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, रोज एसेंस है, रोज सिरप है एंड मिल्क मेड है। सबसे पहले हम 1 कप मिल्क लेंगे। इसमें 1/4 हम मिल्क मेड डाल देंगे, 1/4 कप। टी स्पून कॉर्नफ्लोर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज एसेंस एंड 2 टेबल स्पून ऑफ रोज सिरप। अब इसे हम ऐसे मिक्स करेंगे पहले। कॉर्नफ्लोर अच्छे से हमारा जब मिक्स हो जाएगा, पूरा लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, सब चीजों को अच्छे से मिक्स करिए। अब हम इसको गैस पे रखेंगे, इसे चलाते रहना है, हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। देखिए हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये गाढ़ा हो रहा है, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। ये हमारा गाढ़ा हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। क्रीम बनाने के लिए हमने 1/2 कप व्हिप्ड क्रीम ली है, ये हमारे पास आइसिंग शुगर है और वनीला एसेंस है। एक बोल में हम अपनी व्हिप्ड क्रीम डालेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, आने तक इसको बीट करेंगे। ये देखिए हमारी पीक्स बन गई हैं। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे जब तक हमारा केक बन रहा है। 40 मिनट्स हो गए हैं, मैं हम चेक करके दिखाती हूँ। ये हमारा केक बन के रेडी है, चेक करिए, ये बिल्कुल क्लीन निकला है, इट मीन्स हमारा ये केक पक्के रेडी है। इसको ठंडा होने देंगे फिर डीमोल्ड करेंगे। ठंडा हो गया है, इसके एजेस को क्लीन करेंगे पहले हम। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है ये, इसको टर्न करेंगे, एजेस ये ऊपर से काट देंगे हम थोड़ा सा, जिससे कि जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से इसमें चली जाए।
और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें जो हमने अपना ये सिरप बनाया था वो ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम अपना नेक्स्ट ये रख देंगे सेकेंड पीस। इसके ऊपर भी हम अपना सिरप पोर करेंगे। इससे ये बहुत मॉइस्ट हो जाएगा हमारा केक। विप क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर हम। चारों तरफ हम अपना इसका व्हिप क्रीम लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे डेकोरेट कर देंगे। इसके बीच में हम कुछ पिस्ता ऐड कर देंगे। इसमें जरा सा रोज सिरप हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ी अपनी बॉल्स को ऐसे डेकोरेट कर देते हैं इससे।
ये हमारा रोज मिल्क केक बन के रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी है। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट केक बना है हमारा। ये देखिए ये देखिए इसका स्पॉन्ज कितना अच्छा आया है। ये बहुत सॉफ्ट केक बना है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए ये हमारा केक बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।